हेलो एंड वेलकम, मैं स्वागत है आपका 4x4Unbox में। तो आज हम बात करने वाले ओप्पो के ए सीरीज के और एक नए स्मार्टफोन की। तो उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो बढ़ते फ़ोन की तरफ। तो फ़ोन का नाम होने वाला है ओप्पो A55s 5G। तो बताया जा रहा है कि ये ओप्पो A55 का सक्सेसर होने वाला है, कि ये फ़ोन 5G होगा और ये स्मार्टफोन गीक बैच पे भी सर्टिफाइड हो चुका है। तो मतलब कि इंडिया के अंदर बहुत जल्द देखने मिलेगा। तो शुरू करते हैं फ़ोन के स्क्रीन की तरफ से। तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिल जाएगा और इसके साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने मिल जाएगा। और स्क्रीन के अंदर आपको पंच होल कटआउट में एक कैमरा मॉड्यूल देखने मिल जाएगा। अगर इसके कंपेयर करें A55 के साथ, तो A55 के अंदर 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल गया था और इसके अंदर 90Hz का मिल रहा है। तो ये डिस्प्ले में फ़ोन बहुत अच्छा लग रहा है। तो बढ़ते हम सीधे परफॉर्मेंस की तरफ। तो ओप्पो A55s में क्वालकॉम का जो प्रोसेसर देखने मिलेगा, जो होगा स्नैपड्रैगन 480 का प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। और साथ में आपको एंड्रॉयड 11 का भी सपोर्ट मिल जाएगा और रैम 4GB और 64GB बेस वेरिएंट देखने मिल जाएगा इसके अंदर। और तो कंपेयर करें इसके अंदर कैमरे की, तो कैमरे के इसके अंदर ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो ओप्पो ने यह बहुत अच्छा किया है, जो 13MP का मेन कैमरा और 2MP का डेप्थ कैमरा, और फ्रंट साइड में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा देखने मिल जाएगा। अगर ओप्पो A55 से कंपेयर करें तो कैमरे के मामले में फ़ोन थोड़ा डाउन जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इसके अंदर 13MP का कैमरा है, जैसे कि ओप्पो A55 के अंदर 15MP का कैमरा मिल जाता था। और जैसे कैमरे के मामले में ओप्पो A55 बेटर रहेगा। तो फाइनली बैटरी की बात करते हैं, इसके अंदर आपको ओप्पो A55s 5G में 4500mAh का बैटरी देखने मिल जाएगा। तो फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो ये प्राइस $287 की आई है। तो इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करते तो 21,000 की करीब आता है। तो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि इसकी प्राइस सही है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।